कश्मीर से आई इस वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आपके जहन में अभी भी शायद वो दृश्य होंगे जब कश्मीर की सड़कों पर सेना की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की जाती थी। लेकिन ये 15 सेकंड का वीडियो कश्मीर को लेकर आपकी पूरी धारणा को ही बदल देगा, क्योंकि आज के कश्मीर में सेना की गाड़ियों पर पत्थर नहीं फेंके जाते बल्कि फूलों से उसका स्वागत किया जाता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के विदाई समारोह की। जब लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को चिनार कोर से विदा किया गया तो फूलों से सजी उनकी गाड़ी को खींचने वालों में सैन्य अफसरों के साथ साथ कश्मीर के युवा भी थे। कश्मीर के युवाओं में सेना के लिए इस प्यार की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 15 सेकंड की ये वीडियो आज पाकिस्तान और अलगाववादियों को सोने नहीं देगी। कश्मीर में भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं ने कई साजिशें रची, लेकिन वो सभी साजिशें अब चकनाचूर हो चुकी हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जनरल डीपी पांडे ने कश्मीर की आम जनता और सेना के बीच भरोसा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कि हाल ही में जनरल डीपी पांडे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अचानक लाल चौक पर पहुंच गए। लाल चौक पहुंचकर उन्होंने एक ठेले वाले से बात की। उन्होंने ठेले वाले से कहा कि मैं बहुत दिनों बाद किसी कश्मीरी को हंसते हुए देख रहा हूं। बहुत दिनों बाद मैंने कोई कश्मीरी को देखा स्माइल करते हुए। इससे पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सुर्खियों में रहे हैं। एक दिन वो अचानक कश्मीर में हजरत बल दरगाह पहुंच गए। दरगाह में उन्हें देख वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहरहाल ये शायद पहला मौका होगा जब किसी बड़े सेना के अधिकारी को इस तरह से कश्मीर की आम जनता विदाई दे रही हो। अब आपको ये भी बता देते हैं कि चिनार कोर से विदाई के बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को राष्ट्रपति भवन में मेडल से भी सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को ये मेडल युद्ध और संघर्ष की स्थिति के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। युद्ध एवं संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.